सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ब्लॉक कांसी ने मजदूर दिवस स्थानीय लाल सड़क शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मई दिवस के मजदूरों की शहादत को याद किया। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते सिर्फ पदाधिकारियों ने की सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए शहीद स्मारक पर अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी और शहीदों को याद किया गया। वह केंद्र व हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मई दिवस पर मुख्य वक्ता के रूप में जिला प्रधान सुरेंद्र यादव, ब्लॉक प्रधान सुरेंद्र हुड्डा, सचिव ऋषिकेश डांडा ने कहा कि मौजूदा दौर में केंद्र व हरियाणा सरकार लगातार कर्मचारी विरोध फैसले ले रही है। आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो मजदूरों के साथ अत्याचार होता था और उनको दास बना के रखा जाता था और दास के बाद भी काम के घंटे निश्चित नहीं थे, 16 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे काम लिया जाता था पशु की तरह, आज के दिन मजदूरों ने शिकागो के शहर 1886 के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़के मजदूरों को कर्मचारियों के 8 घंटे काम के निश्चित करवाए थे, 8 घंटे काम के, 8 घंटे विश्राम के और 8 घंटे घरेलू कार्य के लिए। लेकिन आज जो पूंजीपतियों का मौजूदा दौर के अंदर सारा सिस्टम बदला जा रहा है, पूंजीपतियों के हक में नीतियां बनाई जा रही हैं और मौजूदा सरकार केंद्र सरकार ने भी 8 से और 12 घंटे करने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। हम आज मई दिवस के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, मई दिवस 8 घंटे के लिए निश्चित किया गया था, उससे ऊपर जो काम करेगा ओवर टाइम देगा, लेकिन सरकार इसको दरकिनार कर रही है। मई दिवस के श्रद्धांजलि लाखों करोड़ों लोगों ने अपने खून के साथ, जो झंडा सफेद था वो खून के साथ लाल हुआ था, उस लाल झंडे की शहादतों को आज खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो 8 से 12 घंटे का टाइम निश्चित किया गया है मजदूरों के, कर्मचारियों के लिए, उसे रद्द किया जाए और जो मई दिवस के शहीदों की असली श्रद्धांजलि यही बनती है कि 8 घंटे 8-8 तीन स्टेप में 8 घंटे का निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा, जो डीए के महंगाई भत्ते की जो किस्तें काट के जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक की है, 1,32,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों का बनता है, पूरे देश के कर्मचारियों का। दूसरी ओर सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, 50 बड़े पूंजीपतियों का 68,605 करोड़ रुपए अभी हाल में माफ किया है। माफ करने की क्या जरूरत है इतने बड़े पूंजीपतियों के पैसे को, वो पैसा उनसे उगाया जाना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। एक बात और सुझाव देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, जो मौजूदा सांसद हैं, मौजूदा विधायक हैं और वो पेंशन ले रहे हैं, एक बार बन गया एक बार की पेंशन, दो बार बन गया दो बार की पेंशन, 10 बार बन गया 10 बार की पेंशन, एक बार की पेंशन जो विधायक नहीं है उसको एक बार की पेंशन मिलनी चाहिए और जो मौजूदा है उनको मौजूदा वेतनमान मिलना चाहिए, बाकी सारी पेंशनें काट के वो भत्ता, वो फंड, वो सारा का सारा सिस्टम सरकार के खाते में जमा होना चाहिए तब जाके ये। और अकेला कर्मचारी के ऊपर, आम जनता के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है जबकि बड़े पूंजीपतियों को टैक्सों में छूट दी जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं जो काटे गए अमाउंट है, जो भत्तों के ऊपर ब्रेक लगाया जा रहा है, तेल के रेट माइनस में जा चुके हैं लेकिन तेल का रेट पूंजीपति कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 74 रुपये, आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तो 1 रुपया और बढ़ा दिया है, बसों के भाड़े बढ़ा दिए जिससे आम जनता के ऊपर और ज्यादा मार पड़ेगी, हम ये कहना चाहते हैं। एक और कहना चाहते हैं, हम कोरोना महामारी के अंदर हमारे कर्मचारियों का जो ये काटा गया वेतनमान है इससे उन कर्मचारियों का मनोबल डाउन हुआ है, बल्कि उनको पारितोषक देना चाहिए था, वो अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार को जोखिम में डाल के ये सारा सिस्टम सरकार की इम्प्लीमेंट लोगों को सेवा पहुँचा रहे हैं, फिर भी उनका काटा जा रहा है, कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। लॉकडाउन के दौरान अगर सरकार ने मांगों का समाधान नहीं किया तो कर्मचारी मजबूरी वश लॉकडाउन में प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे, हम ये कहना चाहते हैं। और एक चीज और कहना चाहते हैं, जो आम जनता की सुविधा की चीज है घंटे घंटे निश्चित करके उसको भी खोला जाना चाहिए ताकि बाजार में कोई भी सामान उपलब्ध हो और मारामारी ना हो, काला बाजारी ना हो। सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, इशार। थैंक यू।